फ्रेंड्स, मेरा नाम अशोक, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक वाला बाबू में स्वागत है। बहुत दिन का बाद अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि हमारे इधर नेट का इशू आ रहा था उसलिए। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आरएफआई रेलिपे कंपनी जो हम लोग को न्यू अपडेट दे दिया है फिर से, तो बैंक स्वैक आईडी में हम लोग रजिस्टर करके भी उसमें बहुत अर्निंग कर सकती है। बैंक स्वैक जो आईडी है वो पर्सनली आईसीआईसी बैंक का सीएसपी पॉइंट है, और जो आरएफआई रेलिपे कंपनी का जो है वो आपका रेलिपे कंपनी का एईपीएस है। लेकिन सॉफ्टवेयर अलग अलग है, लेकिन कंपनी दो ही एक ही कंपनी, एक ही मालिक का है, लेकिन दो जो सर्विस दिया है, एक दिया है आईसीआईसी बैंक का डायरेक्ट ऑफिशियल है, आपको एक आपको दिया है जो आरएफआई रेलिपे कंपनी का तरफ जो दिया है वो आपका अलग से सॉफ्टवेयर है। लेकिन किसमें कितना फायदा है वो भी इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। कोई भी आपको इशू नहीं आएगा कि मैं ऐसे आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि दो सर्विस के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ऐसा ऐसे कमेंट किया है मेरे को जो बैंक स्वैग आईडी कैसे मिलेगा, बैंक स्वैग आईडी के लिए हम लोग को क्या क्या कॉस्ट देना पड़ेगा, बैंक स्वैग आईडी हम लोग को कैसे हमारा एरिया में अवेलेबल होगा। तो गाइस, बैंक स्वैग आईडी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी चल रहा है, बोलो तो कौन सा भी पोर्टल में, तो बैंक स्वैग आईडी से आप लोग बहुत पैसा कैशलेस कर सकती है, बोलो तो आपका पैसा दूसरे को भी दे सकती है, वो पैसा आप ले सकती है। देखो, बैंक में जाएगा आप लोग, बैंक में जाएगा तो दिन में आपको 3 बार से 4 बार बैलेंस विड्रॉ करने का सुविधा मिलता है, ठीक है। बैंक में जाने के बाद एटीएम लेके जाएगा, 40,000 से ज्यादा निकलेगा, ऐसा ही होता है। लेकिन सीएमएस जो हमारा सिस्टम है, कैश मैनेजमेंट सर्विस, वो आपको क्या सर्विस दिएगा, हम लोग दे जाएगा। तो इसमें आपको सर्विस जो यही होगा, आप कौन सा भी कंपनी का, जैसा होता है ना टाटा बिरला, टाटा ऐसा इंश्योरेंस, सारे बहुत ऐसे कंपनी मिल जाए, ठीक है। और तो आपका एरिया में कोई भी कंपनी है, सोचो आपका एरिया में, अभी हमारा एरिया देखो बंधन बैंक है, और बंधन में तो ज्यादा से ज्यादा लोन लेता है हम लोग, ठीक है। तो अभी क्या जो सीएमएस का माध्यम से आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकती है जो बैंक स्वैग आईडी में है। अभी सोचो आप एक दिन में 2 लाख 3 लाख का इसमें ट्रांजेक्शन करती है आरएफआई रेलिपे कंपनी का तरफ से। तो लेकिन गाइस, आप एक दिन में 3 लाख बैलेंस विड्रॉ करने के जाएगा बैंक में, तो आपको तो नहीं देगा ना 3 लाख, नहीं देगा, कम से कम 1 लाख दे सकती है, लेकिन आपको 3 लाख नहीं देगा, 1 लाख भी शायद नहीं देगा लगता है। तो आपको दिन में 3 लाख 4 लाख इसमें ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है। आपका एरिया में बहुत अच्छा सर्विस चलता है, उसीलिए आप 3 लाख 4 लाख बैलेंस ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन वो पैसा आपको किधर से मिलेगा, वो बात हो रहा है। अभी आपका पॉकेट में 3 लाख पैसा है, ठीक है, अभी आपका दुकान में 3 लाख रुपया है, सोचो 3 लाख रुपया है, और आपको कस्टमर बैलेंस निकासी करने को आएगा, तो वो तो आपको दुकान में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट बैंक में जमा होगा। वो पैसा आपको कैसे मिलेगा, जो हमारा बैंक सहायक आईडी लेके आ गया है हम लोग, जो उसमें आपको सीएमएस का माध्यम से आप बैलेंस कैशलेस कर सकती है। आपका जो बैलेंस है, अभी सोचो आपका वॉलेट में 2 लाख रुपया है, वो आप कौन सा भी कंपनी में पेमेंट दे के उसका पास हैंड कैश में आप पैसा ले आ सकती है। लेकिन मैं एक सैंपल एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, हमारा एरिया का बात बोल रहा हूँ, अभी मेरा एरिया में बंधन बैंक है, अभी सोचो मेरा वॉलेट में 3 लाख पैसा है। वो देखो बैंक बंधन में क्या करते हैं, वो लोग कैशलेस ज्यादा नहीं करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक का थ्रू ज्यादा करता है, ठीक है। उस टाइम आपको उसका साथ कॉन्टेक्ट करना है, उसका साथ बोलो तो मैनेजर का साथ कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, जो आपका वॉलेट में इतना बैलेंस है, मेरा 2 लाख 3 लाख मेरे कैश चाहिए, मेरा वॉलेट में बैलेंस है, वो आपको दे देंगे। तो 3 लाख रुपये आप ट्रांसफर करके देगा दूसरे को, तो कम से कम आपको उसमें भी कमीशन मिलेगा 500-600 रुपया। 3 लाख रुपया आप उसमें ट्रांसफर करेंगे तो कम से कम 500 से 1000 रुपया आपको कैश बैक मिलता है उसमें भी। तो सीएमएस जो सबसे बड़ा सर्विस बोलो तो सीएमएस का माध्यम से आप लोग लोन भी ले सकती है, ठीक है। सीएमएस एक ऐसा पोर्टल है जो आपको एरिया में होगा अवेलेबल, तभी आपको मिलता है वो। लेकिन हमारे एरिया में सीएमएस का माध्यम से हम लोग काम करने को नहीं होता है, क्योंकि हमारा एरिया इतना बड़ा बड़ा कंपनी नहीं है, हम लोग इतना बड़ा बड़ा कंपनी नहीं है, तो उसके लिए हमको नहीं मिलता है, आप लोग को शायद मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक सहायक आईडी में हम लोग कैसे सीएमएस इस्तेमाल करें, जो सीएमएस जो सर्विस है इसमें आप कैसे इंस्टॉल करना है, तो पूरा इस वीडियो में क्लियर बता दिया है मैं। तो गाइस, इस चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो लेकिन गाइस, हमारा इधर अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, इंटरनेट का इशू हो रहा है, जो हम लोग को भी आपको तो मालूम है शायद, जो एनआरसी चल रहा है, सीएबी चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए हमारा वीडियो अपलोड करने का थोड़ा डाउन चल रहा है, क्योंकि हमारा इधर नेट इशू हो रहा है, नेट नहीं चलता है, 3-4 दिन से नेट ऐसा बंद रहता था, अभी शायद स्टार्ट हुआ है नेट। तो इस वीडियो का माध्यम से आप लोगों को मैं पूरा समझने का कोशिश करूंगा। जो बैंक स्वैग आईडी लेना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, नहीं तो स्क्रीन में नंबर शो करेगा, उस नंबर पर आप जरूर कॉन्टेक्ट करके ले सकती है।
बैंक स्वैग एक ऐसा पोर्टल है, आपको डायरेक्ट ऑफिशियल सीएमएक्स जो होता है, सीएमएक्स सबसे बड़ा सर्विस है जो, देखो कौन सा भी पोर्टल में आपको नहीं मिलेगा सीएमएक्स का सर्विस, आपका बैंक स्वैग आईडी से मिलते हैं सीएमएक्स का सर्विस। तो सीएमएक्स जो ऐसा एक पैनल है, आपको बहुत इसमें इन्वेस्ट करने का, बोलो तो इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं था, सिर्फ आपको इसमें अर्निंग करने का सुविधा होता है। बैंक स्वैग आईडी हम लोग लेकर आ गया है, देखो बहुत आप लोग यूट्यूब में वीडियो देखा, लेकिन इतना इसका बारे में इतना कुछ आपकी कोई भी आपको नहीं बताया, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, लेकिन मैं भी इसका काम दिया हूँ, मेरा बहुत बहुत भाई लोगों को दिया है ये काम, तो वो लोग काम करके बहुत अर्निंग कर रहे हैं, मैं भी उसका अर्निंग कर रहा हूँ। कैसे, मैं उसका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, उसको 500 रुपये मिलेगा तो मेरे को 100 रुपये जरूर मिलेगा, तो आप लोग भी लेके काम कर सकते हैं इसमें। तो आप लोग को लेना है तो इस वीडियो का स्क्रीन में नंबर शो करेगा, उसी नंबर में आप कॉन्टेक्ट करके ले सकती है। तो गाइस बैंक स्वैग आईडी जो है आरएनएफए कंपनी का है, लेकिन कंपनी है एक ही, लेकिन दो अलग अलग सर्विस है। बैंक स्वैग आईडी में डायरेक्ट आपको आईसीआईसीआई बैंक का एक ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, और जो रेलीपे का आरएनएफए रेलीपे है वो आपका मिलेगा सिर्फ एईपीएस। तो गाइस इस वीडियो का मतलब से आप लोगों को मैं पूरा क्लियर बता दिया हूँ, आपको चाहिए तो इस वीडियो का स्क्रीन में नंबर शो करेगा, नंबर लेके कॉल करके ले सकते हैं। लेकिन इसमें टर्म एंड कंडीशन यही है, आपको शॉप होना चाहिए, प्रोफेशनली शॉप होना चाहिए, शॉप के ऊपर आपका बैनर होना चाहिए, नहीं तो साइड में दीवार में, दो साइड में दीवार में, और आपका सेंटर दुकान का जो सेंटर होता है सेंटर में खड़ा होकर फोटो खींचना है। दूसरे को बोलता आपका फ्रंट में मोबाइल पकड़ के आपको फोटो खींचना है, ऊपर में आपको बैनर देखना चाहिए, नहीं तो साइड में बैनर देखना चाहिए, उसका सेंटर में आप फोटो खींच रहे हैं तभी आपका होगा, ये सर्विस मिलेगा आपको, उसका बैकग्राउंड नहीं मिलेगा। आप ये भी क्वेश्चन कर सकती है, मेरा तो शॉप नहीं है सर, मैं कैसे मेरे को मिलेगा, उसके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेरे पास तरीका है, आप लोग जरूर नहीं घबराना, आपको जरूर इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो कैसे क्या करना पड़ेगा गाइस, आपका जो फ्रेंड का दुकान है, अभी सोचो आपका दुकान नहीं है, आपको भी ऐसा सर्विस लेने का बहुत इच्छुक है, आप लोग भी ले सकती है, कैसे रहेगा वो भी मैं इस वीडियो का मतलब से आप लोगों को बताएंगे। अभी सोचो आपका गांव में आपका दुकान नहीं है, दूसरे को दुकान है, बोलो तो आपका अंकल होने दो, चाचा होने दो, आप जो भी होता है ना, आप उसका दुकान में जाके उसके ऊपर बैनर होना चाहिए, नहीं तो आपका साइड में ए साइड में नहीं साइड में बोलो दीवार में बैनर होना चाहिए। तो एग्जाम के लिए मैं शायद दे दूंगा कैसा दुकान होना चाहिए आपको, अब एक साइड में मैं इस साइड लगा दूंगा साइड देखने के लिए, ऊपर बैनर होना चाहिए नहीं तो साइड में बैनर होना चाहिए, आपको सेंटर में खड़ा होना चाहिए, जैसे ऑनर खड़ा होता है दुकानदार का मालिक जो खड़ा होता है ऐसा आपको सेम खड़ा होना है, और क्लियर से कम 10 फीट दूर से फोटो खींचना, क्लियर ऊपर भी क्लियर देखना चाहिए, आपका फेस जो क्लियर होना चाहिए तभी आपका बोलो तो बैंक स्वैग का आईडी वेरीफाई होगा, और रेलवे कंपनी का आईडी पासवर्ड मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस आपको बैंक स्वैग का आईडी कैसे मिलेगा, आपको कोई भी इसमें पैसा देने को इन्वेस्ट करने को नहीं होता है, लेकिन आपको देना पड़ता है, उसी लिए जो आपका सिस्टम जो होता है उसमें भी आपको एईपीएस एक्टिव करना पड़ता है, ठीक है, एईपीएस एक्टिव उसमें भी करना पड़ता है, उसलिए आपको शायद पैसा देना पड़ेगा, कुछ भी 100 रुपये 200 रुपये देना पड़ेगा, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं तो वो काम नहीं करेगा आपके लिए, तो जरूर देना है, आप नहीं करना जो मैं नहीं देंगे ऐसा नहीं करना, आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा आपके लिए काम करेगा, उसलिए आपको देना ही पड़ेगा 100-200 रुपये, आपको जितना ज्यादा नहीं चाहेगा मांगेगा, आपको 200-150 रुपये चाहेगा आप दे देना, लेकिन आपको जो बराबर सर्विस देगा वही आपको देगा, डिस्ट्रीब्यूटर देगा, नहीं तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देगा तो आप कौन सा भी काम करने को उपलब्ध नहीं होगा। तो आपको मैं पूरा क्लियर समझा दिया हूँ कैसे कैसे आपको क्या होना चाहिए। तो गाइस आपका स्क्रीन में नंबर शो करेगा, उस नंबर से कॉल करके आप ले सकती है हमारा पास। मेरा नाम अशोक, आप सबको तो पता है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम टेक वाला बाबू। तो गाइस हम लोग 1 तारीख लाइव में आएंगे, 1 तारीख लाइव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हम लोग 1 तारीख में लाइव में आएंगे, बहुत कुछ आपको कुछ दिखाएंगे जो 1 जनवरी हम लोग को हो रहा है। 1 जनवरी में हम लोग बहुत कुछ यूट्यूबर का साथ बोल तो मीटअप करेगा, ठीक है, बहुत बहुत यूट्यूबर का साथ हम लोग बात करेंगे क्या कि इसमें सर्विस इसमें क्या, वो मेरा से बड़ा बड़ा यूट्यूबर है उसका साथ में बात करने जाएंगे 1 जनवरी में। तो आप लोग इस चैनल में बने रहो और चैनल देखो, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करके और आपको दोस्तों के लिए शेयर कर देना है, क्योंकि हम लोग अभी लाइव लेकर आ गया है बैंक स्वैग आईडी और हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे लाइव में, लाइव बोलो तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होगा, आप लोग देखने को पता चलेगा हम लोग क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, जरूर आंसर क्वेश्चन करना, हम लोग आंसर देंगे, ठीक है, कमेंट में आंसर देना, हम लोग आपका आंसर का जवाब देंगे। तो गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, 1 तारीख तक वेट करना है, 1 तारीख में हम लोग लाइव में आएंगे, कम से कम 2-3 घंटा लाइव होगा हम लोग को। तो गाइस जरूर आप लोग कहना हम लोग के साथ अच्छा लगेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा हम लोग को। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर मोटिवेशन बिल्कुल प्रेस कर आपको दोस्तों को शेयर कर दो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।